करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। द्रास में बने करगिल युद्ध स्मारक स्थल पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किए। घुसपैठियों के भेष में द्रास और बटालिक करगिल तुरतुक की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पड़े थे। साल 1999 में भारत के वीर जवानों ने अपने रणकौशल, अदम्य साहस और पराक्रम से उन्हें पराजित किया था। और करगिल विजय दिवस की रजत जयंती के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने आज करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में लद्दाख को एक नायाब तोहफा दिया। और 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर करगिल युद्ध के नायकों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के रूप में सेवा दे चुके जवानों को प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस में समायोजन की सुविधा मिलेगी और इसके लिए एक निश्चित आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को 10 विकेट से हरा दिया। मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 80 रन का स्कोर किया। जीत के लिए मिले 81 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 11वें ओवर में ही बगैर किसी नुकसान के 83 रन बनाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।